everyone, welcome back to another video from your book of English language class 6. We are studying the Brain Root series and the name of our book is Grammar Glitter Odyssey. So today we are going to start with a new chapter. Hamare chapter ka naam hai pronouns. We are studying chapter 7 pronouns. Chaliye ab dekhte hain hame pronouns mein kya padhna hai. Words that are used in the place of nouns are called pronouns. तो verb words जो हम nouns के जगह पर use करते हैं, right? For example, my sister taught me to sew. Right? My sister taught me to sew. I am grateful to you. So you all can see that these words that I am talking about, me, you, ये सारे pronouns होते हैं जो हम nouns की जगह पर यूज़ करते हैं, जो हम नाउंस की जगह पर लगाते हैं, राइट? अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं, माय मदर्स नेम इज़, यू पुट योर मदर्स नेम, शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग वुमेन, राइट? तो मैंने क्या वर्ड यूज़ करा, शी. सो शी एक प्रोनाउन है. मेरे को नाउन को रिपीट ना करना पड़े, बार बार अपनी मदर का नाम रिपीट ना करने पड़ा, इसलिए मैंने क्या करा, इसलिए मैंने शी लगा दिया. शी एक प्रोनाउन है. So, we use pronouns in place of nouns. ठीक है, अब हमारे पास 9 kind के pronouns होते हैं. कितने? 9 kinds of pronouns हमारे पास होते हैं. First is personal pronouns, second possessive, third is demonstrative, then fourth is interrogative, fifth is reflexive, sixth is emphasizing, seventh is indefinite, eighth is distributive, ninth is relative. Okay? So, I hope you have understood what are pronouns in general. अब हम समझेंगे इसके kinds. One by one, we are going to see what does every kind mean. सबसे पहला हमारे पास है personal pronouns. Personal pronouns. अब personal pronouns वो होते हैं जो किसी भी person के, किसी भी place के या किसी thing के नाम को replace करते हैं. वो personal pronouns होते हैं. For example, I have come here first, so I, right? वो जो I है उसका कुछ नाम होगा, तो हमने उस नाम को replace करके I लिखा है. So that is why I is a personal pronoun. He danced well in the party, so he obviously किसी boy का नाम होगा जिसको हम he बुला रहे हैं as a pronoun. So what are they saying, that he danced very well. तो हम किसी boy को refer कर रहे हैं जिसने party में बहुत अच्छा dance किया था, right? So this he is a personal pronoun, क्योंकि ये किसी person की बात की जा रही है. I hope you have understood this. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे pronouns और personal pronouns का आपको एक table दे रखा है जिसके अंदर first person, second person and third person है. आप first person में क्या use कर सकते हैं, I, we. राइट? आज जैसे अगर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो आप कैसे बोलते हैं, आई एम सो एंड सो, आई स्टडी इन क्लास 6, आई एम दिस ईयर्स ओल्ड, राइट? जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल. तो आप इसी तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं ये हूँ, मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, राइट? सो दैट मैं इज़, उसको हम क्या बोलते हैं, मैं को इंग्लिश में आई. सो आप अपनी बारे में बात कर रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, सो दैट्स फर्स्ट पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन में आप क्या यूज़ कर सकते हैं, आई और वी. फिर हमारा आता है सेकेंड पर्सन, जब हम किसी दूसरे इंसान की बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड. तो हम किसी और को, सामने वाले इंसान को बोल रहे हैं, इसलिए हम यू यूज़ करेंगे. यू कर सकते हैं, या फिर जब प्लूरल सेंस में बात करेंगे तो तब भी हम यू ही करेंगे. अगर हम 10 लोगों को बोल रहे हैं तो तब भी हम उन्हें यू से ही बोलेंगे. प्लूरल और सेकेंड पर्सन इज ऑल्सो यू ओनली. ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन में मैंने आपको बताया हम वी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स. तुम अपनी और अपने साथ दो लोगों की अगर बात कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स. अब नेक्स्ट ऑन वी हैव थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन का मतलब क्या होता है, ही, शी, इट. जब हम किसी तीसरे इंसान की बात करते हैं, ठीक है, ही इज़ अ गुड बॉय, शी इज़ वेरी गुड एट डांसिंग, इट इज़ द बेस्ट प्लेस आई हैव एवर बिन टू. समझ आ रहा है, जब हम किसी तीसरे इंसान की बात करते हैं, तीसरे चीज़ की बात करते हैं, तो हम ही, शी, इट यूज़ करते हैं. और प्लूरल सेंस में क्या यूज़ करते हैं, दे.
दे आर द बॉयज हु वर टॉकिंग इन द क्लास. तो हम उन लड़कों की बात कर रहे हैं जो क्लास में बात कर रहे थे. दे आर द गर्ल्स हु आर इन द म्यूजिकल बैंड ऑफ द स्कूल. राइट, तो हम उन स्पेसिफिक गर्ल्स की बात कर रहे हैं जो म्यूजिक बैंड में हैं. आई होप यू हैव गॉट इट. आगे हमारे पास आता है केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस. सबसे पहला क्या है, सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस. ठीक है, सेंटेंस पढ़ेंगे. We will be friends always. तो आप देख सकते हैं इसके अंदर will be हमारा verb है. Right? Will be is our verb. They have created the picture. So have created भी verb है. तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो हमारे cases हैं personal pronouns की वो बहुत तरीक़ों के हो सकते हैं. Right? कभी कभी हम क्या करते हैं कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे हम अपने पर्सनल प्रोनाउंस को बनाते हैं. फर्स्ट बेस क्या है, सब्जेक्टिव बेस, जिसके अंदर हम वर्ब्स यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, आपको समझ आ गया होगा. सेकंड केस है पोजेसिव और जेनिटिव केस. फॉर एग्जांपल मैं आपको क्या बोलूँ, दिस कैलीग्राफी फाइल इज़ माइन. ये मेरी कैलीग्राफी बुक है या मेरी कैलीग्राफी फाइल है. सो जब मैं इसे माइन, हर्स, हिज ऐसे वर्ड्स यूज़ करती हूँ तो वो मेरे पोजेसिव प्रोनाउंस में आ जाते हैं. आई होप यू गेट दैट. थर्ड हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव और अक्यूजेटिव, जिसके अंदर हम एक वर्ब और उसके साथ एक ऑब्जेक्ट साथ में यूज़ करते हैं, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. देखिए एग्जाम्पल में देखेंगे. अब वी हैव इन्वाइटेड हर ओवर फॉर लंच टुडे. राइट, तो आपको समझ आ रहा होगा इन्वाइटेड एक वर्ब है और हर हमने एज एन ऑब्जेक्ट लिया है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो उस पर्टिकुलर सेंटेंस का मेन एलिमेंट है. नेक्स्ट है द इंस्पेक्टर टुक हिम इनटू कस्टडी. तो आप देख सकते हैं टुक इसके अंदर वर्ब है और हिम हमने एज एन ऑब्जेक्ट लिया है. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ डी इज रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक केस. देखेंगे अब इसके अंदर क्या है. आई माई सेल्फ कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो आई इसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट है. एंड जब मैं माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिट्स हिज सेल्फ, इट्स सेल्फ ऐसे सेल्फ वाले वर्ड्स यूज़ करूँगी तो आपको ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्सिव केस है वो. राइट, तो जब हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है और उसके साइड में एक रिफ्लेक्सिव या फिर एम्फैटिक केस भी हम उसे बोलते हैं वो होगा, तो वो हमारी इस कैटेगरी में लाए करेगा. ऑल राइट, शी कैन ट्रायम्फ ओवर ऑड ओनली इफ शी कैन ट्रस्ट इन हर सेल्फ. आप देख सकते हैं अब सबसे पहले हमने एक क्या यूज़ करा, सब्जेक्ट विच इज़ शी, और फिर हमने क्या यूज़ करा है, येस परफेक्ट, एक एम्फेटिक केस यूज़ करा है. रिफ्लेक्सिव या फिर एम्फेटिक मैंने आपको बताया एक ही चीज़ होती है जो क्या है, हर सेल्फ. तो मैंने आपको बताया सारे सेल्फ वाले वर्ड्स को आप एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव की कैटेगरी में डाल सकते हैं. ठीक है, अब हम आगे देखेंगे. वी हैव अ टास्क, हमारे पास एक टास्क है. टास्क ए, read the sentences given below and identify the highlighted pronouns, also mention their case. अब आपको देखना है यहाँ पे कि ये किस केस के pronouns हैं. Let's do this task and I will explain you how you have to judge. Right? Okay. So now let's see the first sentence. People like to help me. ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या बताना था कि कौन सा pronoun है, kind कौन सा है और उस काइंड का कौन सा केस है. आई होप दिस इज़ अंडरस्टैंडेबल. तो पहला हमारे पास क्या है, पीपल लाइक टू हेल्प मी. तो मी एक पर्सनल प्रोनाउन है, ये बात आपको अच्छे से पता है. सेकेंड इज़ दिस शर्ट इज़ हर्स बट दैट इज़ हिज. तो ये हम एक पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहे हैं और केस कौन सा है, येस परफेक्ट, पोजेसिव केस है ये. देन थर्ड एंड फोर्थ आर योर होमवर्क, यू हैव टू ट्राई योर सेल्फ. फिफ्थ वन, दिस प्रोजेक्ट फाइल इज़ माइन. राइट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन की बात हो रही है और पोजेसिव केस है. मैंने जो आपको इसके बाद लिखा है डैश लगाने के बाद वो उसका केस है. नेक्स्ट, आई मेड दिस केक माई सेल्फ. तो ये पर्सनल एम्फेटिक है माई सेल्फ. राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर. नाउ वी विल मूव अहेड एंड सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट. सेकेंड हमारे पास आता है पोजेसिव प्रोनाउंस. वो प्रोनाउंस जो किसी चीज़ की ओनरशिप को सिंबलाइज करते हैं, जैसे दिस बुक इज़ योर्स, ये बुक तुम्हारी है. तो जो किसी चीज़ की पोजेशन या फिर ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है वो पोजेसिव नाउन होता है. एग्जांपल्स, दिस बुक इज़ योर्स, योर पिक्चर इज़ मोर ब्यूटीफुल देन माइन. तुम्हारी पिक्चर ज़्यादा अच्छी है मेरे से.
तो किसी की चीज़ की ओनरशिप की जब हम बात करते हैं तब हम क्या यूज़ करते हैं? पोजेसिव प्रोनाउंस। आगे अब हमारे पास एक टास्क है जिसके अंदर हमें फिल करने हैं करेक्ट पोजेसिव प्रोनाउंस। देखते हैं अब हमारे पास ये एक्सरसाइज में क्या है। देखिए पहला सेंटेंस है दिस बुक इज़, हमने यहाँ पे पकड़ा था योर्स, बट यहाँ पे हम कुछ और भी डिफरेंट फिल कर सकते हैं। दिस बुक इज़ हर्स, ये बुक उसकी है, एंड दैट पर्सन इज़ अ गर्ल, क्योंकि हर यूज़ करा है हमने। लेट्स गो टू हिज हाउस, और हर हाउस भी आप लिख सकते थे, मैं आपको दोनों को ऑप्शन दे सकती हूँ, आप दोनों लिख सकते हैं। इज दिस बुक योर्स, हम पूछ रहे हैं क्या ये बुक तुम्हारी है। आई होप दिस इज क्लियर। वी बॉट दैट हाउस लास्ट ईयर, इट इज माइन। माइन में मत लिखो, गलत हो सकता है, बताती हूँ मैं क्यों। बिकॉज हमने यहाँ पे क्या यूज़ करा हुआ है, वी। वी जब हम यूज़ करें तो मतलब वो एक लोग इंसान का नहीं है, वो बहुत सारे लोगों का है, एक फैमिली का हाउस है। तो हम क्या लिखेंगे, वी बॉट दैट हाउस लास्ट ईयर, इट इज आर्स। यस, वेरी गुड। एक्सक्यूज मी, दिस फोन इज माइन, एम आई एन ई माइन। माई ब्रदर एंड आई मेड दैट चेयर, इट्स आर्स, क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है। आई होप दिस क्लियर। ओके, सो दिस वॉज एन एक्सरसाइज, आपको समझ आ गया होगा हमने किस तरीके से पोजेसिव प्रोनाउंस को भरे हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये सारे हर्स, हिज, हर या फिर योर्स, राइट, आर्स, माइन, आर्स, ये सारे हमारे पोजेसिव प्रोनाउंस की कैटेगरी में आते हैं। सो नेक्स्ट इज द थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को पॉइंट आउट करते हुए बोलें, जैसे दैट इज माई हाउस, दिस इज द पेन आई वॉज टॉकिंग अबाउट, दिस इज माई मदर, तो दिस, दैट, दोज, ये सारे हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में आते हैं। एग्जाम्पल्स देख सकते हैं अब आप, दिस इज माई हाउस, दैट इज अ क्यूट गर्ल। सो आप देख सकते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को पॉइंट करते हैं, किसी नाउन को पॉइंट करते हुए बोलते हैं, वो वर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं उन्हें पॉइंट करने के लिए, वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। चलिए अब ये एक्सरसाइज है जिसके अंदर हमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को फिल करना है। जस्ट लाइक बिफोर, लेट्स डू दिस एक्सरसाइज। ओके, सो बोथ द टॉयज आर नाइस, बट दिस वन इज बेटर दैन डैट। यस, वेरी गुड। चलिए अब सेकेंड वाला देखेंगे। हेलो, इज डैश यू जिम, इज दिस यू। यस, वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव ऑन, थर्ड वन, डैश इज अ गिफ्ट फ्रॉम अ फ्रेंड, दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम अ फ्रेंड। ओके, डैश इज माई बैग एंड डैश इज हर सूटकेस, दिस इज माई बैग एंड दैट इज हर सूटकेस। You take dash and I will take those. You take these and I will take those. अब देख सकते हैं यहाँ पे हमने दो यूज करा हुआ है, तो इसलिए हम these ही बोलेंगे। Dash may be bus number 567. So that, या फिर आप this भी बोल सकते हैं, that may be bus number 567. So I hope आपको demonstrative pronouns भी clear हो गए हैं। नेक्स्ट टाइप हमारे पास जो आता है वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। आपको याद होगा हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे, उसकी तरह ही होते हैं बिल्कुल इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। सेंटेंसेस में हम क्या करते थे कि ये पूरा सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या है, जो उस क्वेश्चन को बना रहा है, जैसे हु, वॉट, वेन, हाउ, देख सकते हैं आप ये सारे वर्ड्स, हु, वॉट, हाउ, वेन, ये सारे हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आई। इसके बाद हमारे पास फिर से एक टास्क है जिसके अंदर हमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस को फिल करना है। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, जो हमें एक क्वेश्चन करने में हेल्प करते हैं, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड फॉर एग्जाम्पल, हाउ आर यू डूइंग टूडे, राइट, व्हेन इज़ योर बर्थडे। तो आप देख सकते हैं ये सारे वर्ड्स हमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन को अराइज करने में हेल्प कर रहे हैं। तो अब देखेंगे ये वाले क्वेश्चन हम कैसे बना सकते हैं। डैश ऑफ दीज पेन्स इज योर्स, विच ऑफ दीज पेन्स इज योर्स, सो आप विच लिखेंगे। डैश इज योर प्लान फॉर द डे, व्हाट इज योर प्लान फॉर द डे, समझ आया। डैश इज दिस बैग,
Whose is this bag? Dash of your friends are invited. Which of your friends are invited? Right? Samajh aa raha hai? Fifth one, Dash has written this article. Who has written this article? Dash of these essays is the best. Which of these essays is the best? Dash, do you want to buy? What do you want to buy? Yes. So I hope आपको ये बात समझ आई है कि हमने किस तरीके से interrogative pronouns को इन sentences में fill किया है. Interrogative pronouns होते क्या हैं? जो हमें कुछ ना कुछ question पूछने में help करते हैं. समझ आ गई होगी आपको ये बात? Fifth type हमारे पास आता है reflexive. वो pronouns where the action of the subject reflects upon itself. जैसे he washed his clothes himself. उसने अपने कपड़े खुद धोए. तो क्या इसका मतलब है कि जहाँ पे जो एक्शन है सब्जेक्ट का वो उसके ऊपर ही रिफ्लेक्ट करेगा. जैसे यू लॉस्ट योर बैग योर सेल्फ. मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था कि ये सेल्फ वाले रिफ्लेक्सिव होते हैं इन जनरल केसेस. समझ आता है आपको ये बात? देखते हैं अब हमारे पास क्या है. फिर से एक एक्सरसाइज है. इसके अंदर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को सर्कल करना है. देखते हैं सेंटेंस को और समझते हैं. जैमी फोल्डेड दैट बिग पाइल ऑफ लॉन्ड्री ऑल बाय हिमसेल्फ. तो हिमसेल्फ इसके अंदर हमारा क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. मेक श्योर यू बाय समथिंग फॉर योर सेल्फ. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. एज फॉर मी आई प्रेफर रीडिंग बाय माय सेल्फ. दिस इज रिफ्लेक्सिव. कैन यू टीच दैट योर सेल्फ. तो आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या है. योर सेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कैटेगरी है. डैड वोक हिमसेल्फ व्हेन ही स्टोर. सो himself. I cut myself with the scissors. So myself again. I'm repeating this sentence again. The next sentence. I cut myself with the scissors. So myself इसके अंदर हमारा क्या है? Yes. इसके अंदर myself हमारा reflexive pronoun है. So I hope आपको reflexive pronouns की category भी बहुत अच्छे से समझ आ गई है. आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे emphasizing pronouns. अब आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए कि रिफ्लेक्सिव में और एम्फसाइजिंग में डिफरेंस क्या है. ओके, तो पहले मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेजेस में बताऊंगी, तब हम उसके बाद बुक की लैंग्वेज पढ़ेंगे. रिफ्लेक्सिव में क्या आएगा? आपका जो से हिमसेल्फ योरसेल्फ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो बिल्कुल लास्ट में आएगा और वो जो सब्जेक्ट है उसके डायरेक्टली नहीं आएगा बाद में. जैसे आई डिड माई वर्क माई सेल्फ. ठीक है. Make sure you buy something for yourself. तो बिल्कुल जो हमारा सब्जेक्ट है, देखिए आप सब में इन सेंटेंसेज में यू इज़ आर सब्जेक्ट, राइट? यू सब्जेक्ट है ना, तो यू के एकदम बाद नहीं आ रहा योरसेल्फ. तो ये सारे हमारे रिफ्लेक्सिव होते हैं. पर जिस केस के अंदर ऐसे आता है यू योरसेल्फ हैज़ टू डू दिस वर्क, ही हिमसेल्फ फेल्ट गिल्टी, शी हरसेल्फ डिक्लेयर्ड दैट शी हैड स्टोलन द पर्स फॉर एग्जाम्पल, राइट? तो इसका मतलब क्या है? एम्फसाइजिंग में जो मेरा सब्जेक्ट है वो उसके बिल्कुल बराबर में, उसके बिल्कुल साथ हमारा जो प्रोनाउन लगता है वो लगेगा सेल्फ वाला ही लगेगा. तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि वो रिफ्लेक्सिव है या एम्फसाइजिंग है. आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब कुछ ऐसा हो यू योर सेल्फ, तो हमने उस यू पे एम्फसाइज किया है ना, जोर डाला है कि तुमने खुद ने किया है. यू गेट दैट? जब हम इस तरीके से जोर डालते हुए बोलते हैं तो वो एम्फसाइजिंग प्रोनाउन की कैटेगरी होती है. देखिए अब प्रोनाउन्स दैट आर यूज्ड फॉर एम्फसिस, जब हम किसी चीज़ को जोर डालने के लिए जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे आई माई सेल्फ शुड डू दिस, माई फादर हिमसेल्फ मेड दिस बॉक्स, तो हम जोर डाल रहे हैं. देख सकते हैं आप आई के बिल्कुल साइड में माई सेल्फ प्रोनाउन यूज़ किया गया है. ऐसे ही माई फादर हिमसेल्फ, राइट? तो नाउ आपको ये बात समझ आ गई होगी कि एम्फसाइजिंग के अंदर हम बिल्कुल सब्जेक्ट के साथ साथ ही अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को चलाते हैं, तो वो दोनों एक साथ मिलके एक एम्फसाइजिंग प्रोनाउन बन जाते हैं. ठीक है, आगे देखेंगे अब. अ प्रोनाउन इज रिफ्लेक्सिव इफ द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन द डूअर. एम्फेटिक प्रोनाउन्स ऑन द अदर हैंड आर यूज टू एम्फसाइज द एक्शन. तो आपको ये बात ध्यान रखनी है रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होता है. जब हम किसी भी एक्शन को, जब हम एक्शन को रिफ्लेक्ट करते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव होता है. जैसे हमने क्या देखा, यू शुड डू योर वर्क योरसेल्फ, तो हम वर्क की चीज़ को एम्फसाइज करते हुए योरसेल्फ लिख रहे हैं.
पर जब हम उस पर्टिकुलर इंसान को हुई लाइक फॉर एग्जाम्पल यू योर सेल्फ शुड डू द वर्क, हम उस इंसान को एम्फोसाइज करें तुम्हें खुद ही करना है, तो वो कौन सा होता है? एम्फैटिक. देख सकते हैं आप, ही कट हिमसेल्फ, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव की कैटेगरी है. ही हिमसेल्फ कट द केक, ये एम्फोसाइजिंग की कैटेगरी है. सो आई होप अब आपको कन्फ्यूजन नहीं है और आपको क्लियर हो चुका है कि कौन से रिफ्लेक्सिव हैं और कौन से एम्फेटिक है. चलिए अब देखते हैं, हम ये हाईलाइटेड प्रोनाउंस हमें दे रखे हैं और हमें ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक है. लेट्स डू इट. चलिए सो फर्स्ट हमारे पास है शी हरसेल्फ टोल्ड मी दिस. तो आप खुद बताइए मुझे, शी हरसेल्फ, हम किसको एम्फेसाइज कर रहे हैं? यस, हम सब्जेक्ट को एम्फेसाइज कर रहे हैं, शी को. सो दिस इज एम्फेटिक. आई माई सेल्फ बिलीव सो, ये भी कौन सा है? एम्फेटिक. द राइटर एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ परफेक्टली, तो द राइटर किसकी बात हो रही है? एक्सप्रेसेस को एम्फेसाइज कर रहे हैं, वर्ब को और उसके एक्शन को एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो ये कौन सा हुआ? रिफ्लेक्सिव. समझ आया? फोर्थ इज शी हरसेल्फ इज टू ब्लेम. सो हरसेल्फ, शी के एकदम बाद हरसेल्फ आ रहा है, दिस इज जस्ट अ ट्रिक कि आप जज कर सकते हैं एम्फेटिक कौन से हैं. फिफ्थ वन, द पुअर लेडी ब्लेम्ड हरसेल्फ, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव. वेरी गुड. नेक्स्ट वन, वी टेस्टेड आवरसेल्व्स रिगरसली, सो वी टेस्टेड आवरसेल्व्स, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव. अगर ये ऐसा लिखा होता वी आवरसेल्व्स टेस्टेड समथिंग, ऐसा लिखा होता, अगर वी आवरसेल्व्स आ रहा होता तो वो एम्फेटिक होता. ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होते हैं. वो प्रोनाउंस जिसके अंदर हम किसी पर्टिकुलर या डेफिनेट चीज़ को रेफर नहीं करते, जैसे समवन वॉज ऑन द डोर, हमें नहीं पता कौन है, कोई था, हम श्योर नहीं है कौन था, राइट right? तो वो हमारे इनडेफिनेट होते हैं. जैसे आप ये डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं, रेफर टू सम पर्सन, जब हम किसी इंसान को प्रेफर करते हैं जो स्पेसिफिक नहीं है या डेफिनेट नहीं है, वो इनडेफिनेट होते हैं. जैसे समवन विल बी हियर सून, नो वन वॉन्टेड टू मीट हर, हम किसी स्पेसिफिक इंसान की बात नहीं कर रहे, हम जनरली किसी की भी बात कर रहे हैं. ठीक है, अब हमारे पास फिर से टास्क है जिसके अंदर हमें इनडेफिनेट प्रोनाउंस को फिल करना है. सो आई होप दिस इज ईजी एंड आपको ये तो अच्छे से समझ आ ही जाएगा. डैश कैन टेल हाउ इट हैपेंड, आप बता सकते हैं? यस, नो वन कैन टेल, कोई नहीं बता सकता ये कैसे हुआ, राइट? डैश हार्डली नोज वॉट टू डू, Anyone hardly knows, right? Dash succeeds like success. Everyone succeeds like success. Okay? I am very thirsty. I want dash to drink. I want something to drink. मुझे कुछ पीने के लिए चाहिए, right? But that drink is not specific. There is dash wrong with me. There is something wrong with me. Got it? Dash are contented with their jobs. Dash are contented with their jobs. अब आप मुझे खुद बताइए, इसके अंदर हमने वही ऐसा एक यूज़ करा है जो हमने इस सारे सेंटेंसेज में एक वर्ड यूज़ करा है, वही आएगा इसके अंदर. So this one I will give you as your homework to try yourself. So you have to do sixth one as your homework. We will do the next type, distributive pronouns. तो distributive के अंदर हम क्या करते हैं? Distributive pronoun वो होता है जब हम किसी person को या किसी thing को एक time पे एक ही चीज़ को refer करते हैं. जैसे each of us was given a present. हम सबको एक एक present दिया गया था. Neither of the mangoes is ripe. तो जब हम सब में से किसी एक चीज़ की बात करते हैं तब वो distributive pronouns की category होती है. चलिए अब इसकी exercise देखेंगे हम. Pick out the distributive pronouns in the following sentences. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्या करना है, sentences में से distributive pronouns को pick out करना है. He never replied to any of my letters, so any. ठीक है, I don't think either of them, so either. Neither of my parents is a doctor, right? Everyone is laughing at me behind my back, so everyone. Next, have any of you actually seen a UFO? So
any. Right? None of my kids have blonde hair. So, none. So, I hope you have understood this. Next, हमारे पास category क्या होती है? Relative pronouns की category है. So, now let's see. Relative pronouns relate a noun to a group of words that follow. ठीक है? तो relative pronouns वो होते हैं जब हम किसी group of words को relate करने के लिए जो words use करते हैं, वो हमारे relative pronouns होते हैं. जैसे, this is the house that Alia built. ये वो घर है जो आलिया ने बनाया था. तो आप समझ सकते हैं, हमने नाउन को रिलेट करने के लिए जो वर्ड यूज़ करा, हाउस एक नाउन है, उसे रिलेट करने के लिए जो वर्ड यूज़ करा वो है डैट, और वो डैट को हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं. द हाउस विच वॉज बिल्ड बाय जैक वॉज सून डिमोलिश्ड. ठीक है, तो हुज विच, ये सारे हमारे रिलेटिव प्रोनाउन्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं और नाउन्स को रेफर करते हैं. बात समझ आई? चलिए अब हम देखेंगे, join each of the sentences using relative pronouns in the brackets. So I will tell you how you have to do. The eggs are rotten, I bought them yesterday. The eggs which I bought yesterday are rotten. You gave me this book, it is a very good one. The book which you gave me is very good. Samajh aaya aapko? Okay, so third one, let's see. We met the villagers, their houses were damaged in the floods. We met the villagers whose houses were damaged in the floods. Fourth wala dekhenge. The deal has been finished. We were discussing it yesterday. The deal which we were discussing yesterday has been finished. I want to taste the cake you baked it yesterday. I want to taste the cake that you baked yesterday. तो आप देख सकते हैं इन वर्ड्स के साथ हम दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं. My uncle arrived today, he lives in Delhi. My uncle who lives in Delhi arrived today. My brother is a scientist, he has gone to America. My brother who is a scientist has gone to America. So I hope आपको ये बात समझ आई. Next exercise है कि आपको pronouns को underline करना है और उनके kind को state करना है. चलिए अभी एक्सरसाइज करते हैं एंड कुछ सेंटेंसेस मैं आपको होमवर्क में भी दूंगी. सो काइंडली मेक श्योर यू डू योर होमवर्क. लेट्स डू इट. ओके, सो नाउ लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस. शी इज वॉचिंग टेलीविजन. सो शी हमारा एक पर्सनल प्रोनाउन है. सेकेंड वन इज योर होमवर्क. थर्ड, आई एम स्टडिंग ग्रामर. सो आई हमारा पर्सनल प्रोनाउन है. नेक्स्ट इज योर होमवर्क अगेन. You yourself must find a solution to this problem. So you yourself. मैंने आपको क्या बताया था? Emphatic. Very good. God has been kind to me. Personal. Sixth one is your homework. Seventh one is me is the pronoun. And it is personal pronoun. Eighth one is again your homework. This is the architect who designed my house. So who is के अंदर हमारा क्या है? Relative pronoun. And the last one is again your homework. So kindly do this homework for sure. Okay? So now we have the K exercise, जिसके अंदर हमको क्या दिया गया है? Read the given passage and rewrite it in your notebook by replacing the nouns with suitable pronouns. हमें nouns को pronouns से replace करना है. तो मैं आपको ये पूरी dictate करूँगी, इसका answer हम discuss करेंगे साथ में, and you have to rewrite it in your notebook. चलिए, Geppetto was a carpenter who lived in a village. Geppetto made wooden toys. तो आप देख सकते हैं कि ये Geppetto दो बार रिपीट हुआ है. तो अगर ये हमें दो बार नहीं रिपीट कराना, तो हम फर्स्ट वाले को तो एज इट इज़ रहने देंगे, फर्स्ट वर्ड को, फर्स्ट नाउन को. सेकेंड बार जब वो नाउन रिपीट हुआ है, हम क्या करेंगे? हम उसे चेंज कर देंगे एक प्रोनाउन में. सो हम क्या लिख सकते हैं? Geppetto was a carpenter who lived in a village. He made wooden toys. तो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख रही हूँ on the top of it, but you have to rewrite. Right? So he made wooden toys. One day he made a puppet. The wooden puppet suddenly came to life. Geppetto named the puppet Pinocchio. So यहाँ पे भी he आप लिख सकते हैं. Once, Geppetto and Pinocchio went to sail on the sea. A huge whale swallowed him. When Pinocchio saw this, Pinocchio jumped into the water to save Pinocchio's father. The whale swallowed Pinocchio too. Inside the whale's belly, Pinocchio saw Geppetto.
पिनोकियो एंड गेपेटो वर हैप्पी टू सी ईच अदर. सो आप इसको पूरे को रिप्लेस करके क्या पे क्या लिख सकते हैं, दे वर हैप्पी टू सी ईच अदर. सो आई होप आपको ये समझ आ गया. नेक्स्ट हमारे पास है, हमें अप्रोप्रिएट प्रोनाउंस से इन ब्लैंक्स को फिल करना है और हमको ये बॉक्स दे रखा है जिससे हमें आइडियाज लेने हैं. सो लेट्स डू दिस एक्सरसाइज. डैश इज द हाउस वेयर आई लिव. तो आप क्या लिख सकेंगे, दिस इज द हाउस वेयर आई लिव. सो लेट्स फिल हियर दिस. आई डैश विल स्पीक टू हिम. आई माई सेल्फ विल स्पीक टू हिम. सो माई सेल्फ. दिस हाउस इज हर्स. दैट वन इज योर्स. सो योर्स. ओके, फोर्थ वन. डैश ऑफ दीज कार्ड्स डू यू लाइक. विच ऑफ दीज कार्ड्स डू यू लाइक. राइट. एंड आई वॉन्ट कि ये जो लास्ट के फोर है ये आप खुद करिए. सो दिस इज योर होमवर्क. यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द बॉक्स ऑल्सो. ओके, राइट. सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर प्रोनाउंस. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर एंड गुड बाय.